मम्मी आपको पता है कि मैं जहेज के कितना खिलाफ हूँ। अंकल तो जहेज दे रहे थे लेकिन मैंने ही मना किया था। बेटा जहेज लेना और देना दोनों ही गलत बातें, मैं मानती हूँ, और वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हूँ, क्योंकि तुमने जहेज ना लेके उन्हें ये बात अच्छी तरह समझा दी। अब तो मेरा काम हो जाएगा ना? शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अच्छा ये बताओ लुबना कैसी है? लुबना? जी जी अंकल, लुबना बिल्कुल ठीक है। कोमल के साथ तैयारियां करेंगे पता, शायद मेहंदी में जाने की। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बेटा, मेरा दुआ कहना है हम लोगों। कोमल का फोन है। हाँ कोमल। हेलो भाई, भाभी कैसी हैं? इतनी देर हो गई, आपने मुझे उनकी खैरियत नहीं बताई। वो अभी तक इमरजेंसी से बात भी नहीं किया। दो घंटे हो गए भाई, आप डॉक्टर से पूछे ना जाकर। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बाद में बात करता हूँ कोमल जी। डॉक्टर साहब जी, हम मुसलसल उनकी कंडीशन संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। क्या मतलब है डॉक्टर साहब, आप उसकी जान को खतरा तो नहीं है? जी वो बिल्कुल भी खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर फाइजर ने कहा है कि बच्चे की हार्ट बीट खत्म हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेट करना होगा। आप इस पे साइन कर दीजिए। साहब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे जो बन सके आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए। आप दुआ करें। थैंक यू। आप इस तरह रोएंगे तो फिर चलो। नहीं प्लीज, दुआ की दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको सोच के आपको चुप हो जाएगा। बस दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मांग की दुआ फौरन सुनता है। मुझे पानी ला दो नीचे से। हेलो, खाना क्या बना? बच्चा खत्म। मुबारक हो आपको भगवान, पर दुआ करो लुबना को कुछ ना हो, कुछ ना हो। खाला प्लीज खुद को संभाले, और देखिए घर में किसी से कुछ मत कहिएगा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ये कैसी जीत है जो मैं। डॉक्टर फाइजर ने कहा है कि बच्चे की हार्ट बीट खत्म हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेट करना होगा। रंज है, मलाल है, आदिल तुम क्या हो गया, इतनी हड़बड़ाई भी क्यों? वो लुबना का बच्चा जाया हो गया। कोमल ने तो रो रो के करामत ढाई थी घर में, अकेली है वो बेचारी। समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अम्मा भी सो रही है, मैं जाऊँ उसको तसल्ली देने? वो अकेली है, जल्दी बोलो। इतनी रौनक थी ना इस बच्चे के नाम से इस घर में, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है सब कुछ कैसे हो गया। उसे तो इतना ख्याल रखता था लोगों का। मुझे नहीं पता, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, भाई और अम्मी भी परेशान हैं। बस दुआ करो कि भाभी को कुछ ना हो।
उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे तो मानो हाला की बहुत फिक्र हो रही है, यहाँ तुम परेशान हो वहाँ वो रो रही है। मुझे उनके पास जाना है लेकिन बहुत अकेला फील कर रही होंगी इस वक्त। मैं हॉस्पिटल जाऊं, तुम प्लीज आदिल को मत बताना, ठीक है? हाँ मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जी सुनो, भाभी की जैसी भी तबीयत हो मुझे बताना, हो सके तो कॉल करवा दें। कोमल, मेरे पास हॉस्पिटल जाने का किराया नहीं है, मैं पैसे लेके आती तो आदिल को पता चल जाता। मैं भी ला दूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैंने अपना हंसता बसता घर अपने हाथों से उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। अपने बच्चों को एक सांस तक चुभने नहीं देती और इतना बड़ा जख्म मैंने अपने हाथों से अपने बच्चों को दिया जो शायद कभी ना भर पाए। अगर लुपड़ा को कुछ हो गया तो असद भी मर जाएगा और इस तबाही की जिम्मेदार मैं होंगी, उसकी माँ। कुछ हो गया तो असद भी नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा लुबना को, ठीक हो जाएगी। किसी को भी कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर यकीन करें। आप जाएं असद के पास, अल्लाह से माफी मांगे अपने किए की। किस मुंह से करूंगी मैं अल्लाह का सब, नहीं मुझ में हिम्मत नहीं। मैंने बहुत ही बुरा किया फरा, मैंने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। मैं असद को सब बता, हो सकता है इस तरह मेरा अल्लाह मुझे माफ कर, असद भी माफ कर देगा मुझे। नहीं नहीं मानो खाला, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, समझ रही हैं आप मेरी बात? आप असद से कुछ भी नहीं कहेंगे। मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं असद को सब कुछ सच सच बता दूंगी तो हो सकता है मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे, असद भी माफ कर देगा फिर। आपको क्या लगता है बानो खाला, असद सह लेगा ये बात? उसने अपनी औलाद खोई और प्लीज अब आप कोई बेवकूफी करके अपना बेटा मत खो दिए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन उमर के बारे में सोचो, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशान है, रो रो के पागल हो गई, बार बार लुबना के बारे में पूछती है। मैं क्या करूँ, अगर आप इस तरह करेंगी तो मैं भी टूट जाऊंगी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ कोमल के पास, उससे तुम्हारी जरूरत है, उसे अकेला मत छोड़। मैं चली जाऊंगी उसके पास, लेकिन मुझसे वादा करें कि कुछ भी हो जाए आप असद को कुछ नहीं बताएंगे। नहीं करूँ, नहीं करूँ, किसी से कोई बात नहीं करूँगी। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है अब उनकी कंडीशन पहले से बेहतर है, अब वो खतरे से बाहर हैं। आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी हालत ठीक होते ही रूम में शिफ्ट कर देंगे। मिस्टर असद, आप मुझसे मेरे रूम में आके मिलें। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। अमीन, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, आपने तहे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई। ये बाप घर चले जाइए, घर में कोमल अकेली,
आप उसे जाकर तसल्ली दीजिए। मैं लुबना को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। समझा कीजिए बात, वैसे भी लुबना आईसीयू में, आईसीयू में 2-3 मिनट ज्यादा रुकने नहीं देते। प्लीज घर चलिए, कोमल अकेले ही वहां जाके उसको संभाले, उसको तसल्ली दीजिए। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपको फोन पर बताता रहूंगा। चलिए चलिए नहीं, अभी वो सोई नहीं है। क्या सारी रात ना जागा हुआ था, परेशान था। तुम ना फोन तो चार्ज कर लेती कम से कम। भूल गई थी चार्ज करना। क्या हालत है? उतना खतरे से बाहर है और खाला घर आ गई है। तुम सो जाओ, मैं तुम्हें नाश्ता बना के देती हूँ, खाकर सो जाना। नहीं, तुम भी सो जाना, तुम भी तो जाग रही हो। मुझे स्कूल जाना है। छुट्टी कर लो। नहीं कर सकती, अम्मा गुस्सा करेंगी बिला वजह। मेरी फिक्र मत करो, मैं सो गई थी कोमल के साथ। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। आपकी वाइफ की जो कंडीशन थी, इसे संभालना बहुत मुश्किल था। अगर आप दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था तो आपको बहुत पहले सोचना चाहिए था इस बारे में। बच्चा नहीं चाहते थे? क्या आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? हम तो हमेशा से बच्चे के ख्वाहिश में थे। आपकी वाइफ पहले भी इस बच्चे को खत्म करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जब इनका 6 मंथ स्टार्ट हो चुका था, इस तरह से करना उनके अपनी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने काफी हैवी डोज में पॉइजन यूज किया है। पॉइजन? जी, बेबी को खत्म करने के लिए पॉइजन यूज किया है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि मैं लुबना को घर कब ले जा सकूं? वो डिस्चार्ज कब होगी? बस इंशाल्लाह जैसे ही उनकी हालत बेहतर होती है आप ले जा सकते हैं। आपकी वाइफ पहले भी इस बच्चे को खत्म करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जब इनका 6 मंथ स्टार्ट हो चुका था, इस तरह से करना उनके अपनी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। बेबी को खत्म करने के लिए पॉइजन यूज किया है। हेलो हेलो फरा, मुझे स्कूल में फंसा दिया। असद के करीब होने का कितना अच्छा मौका था मेरे पास। अगर मैंने जल्दी की ना तो सब कुछ गलत हो सकता है। बहुत सोच समझ के कदम उठाना है मुझे। अब जीत मेरी ही होगी। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। भाभी की तबीयत अब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप आराम क्यों नहीं कर रही? मुझे नींद नहीं आ रही। नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है आपको देखकर। थोड़ा सा तो आराम कर लो। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम परेशान मत हो। नहीं, चले आए, थोड़ा सा तो आराम करें। चले।
नहीं असर, ऐसा नहीं हो सकता। लुबना पॉइजन कैसे ले सकती है, मैं यकीन नहीं कर सकती। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। लुबना अपने आप को जहर क्यों देगी? डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं कि उसने पॉइजन लिया। देखो अभी हम इस सूरत हाल में नहीं है कि कोई भी नतीजा निकाल सके। पता नहीं कि लुबना ने जहर लिया है या उसे दिया गया है। दिया गया है क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि अभी कोई फैसला नहीं कर सकते। तुम लुबना के पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसका ख्याल रखो। बहनों खाला भी बहुत परेशान है, बहुत रो रही है। तुम्हारी फैमिली को इस वक्त तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लुबना का ख्याल रखो। हाँ लुबना, क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? तुम हॉस्पिटल में हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो। सर हाँ बोलो। मेरे पास ही है ना? तुम्हारे ही पास हूँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चले चलो। इतनी मुश्किल से गुजरे आप लोग और असद ने हमें फिर भी टाल दिया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल भाई साहब की तबीयत पहले ही खराब थी, परेशानी की बात सुनते तो और तबीयत खराब होती, परेशान होते खामखा। अब कैसी तबीयत है बहन जी उसकी? अब बेहतर है, कल कमरे में शिफ्ट कर देंगे। असद से कहूंगी आपको मिलवाने ले जाए। कल तक का वक्त कैसे गुजरेगा? देखा भाई साहब, इसीलिए आपको नहीं बता रहे थे, फौरन परेशान हो गए ना। दरअसल मुझे भी असद ने जबरदस्ती घर भेजा। वहां आईसीयू में सिर्फ एक ही मिलने वाले को इजाजत होती है बाहर बैठने की। कमरे में आ जाएगी तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा, कल तक का ही वक्त है। बल्कि आप लोग एक काम करें ना, यही रुक जाएं आज। भाई साहब देखें कितनी हमदर्दी कर रही हैं मेहरबानों आपसे, जब आपकी इतनी फिक्र कर रही हैं तो सोचें अपनी बहू का कितना ख्याल रखती होंगी। परेशान ना हो। कोमल तुम इधर आके बैठो अपने ससुर के पास, तुमसे बात करेंगे ना तो इनका दिल बहला रहे। आज और शाबाश बेटा। हाँ बात बिल्कुल। बेटा खाली चाय ले आई हूँ, कुछ साथ नहीं लाई। अम्मी अभी ले आती हूँ। अरे बैठो बेटा, ठीक है बहन जी। जो लोग दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं ना, खुदा उनकी खुशियां छीन देता है। क्या हो गया, इस तरह की बातें नहीं करते। और इसमें बेचारी उस लुबना का क्या कसूर है? बेचारी लुबना? अरे भूल गया वो दिन जिस दिन तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा था उसने? बेचारी लुबना। बस भी करो अम्मा, तुम तो एक बात को लेके बैठ गई हो। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही,
तुझे कैसे मालूम पड़ा है कि लुबना का बच्चा मर गया? अम्मा वो शैला आई थी, फराह को बता रही थी तो मैंने सुन लिया। अच्छा हुआ मैंने फराह को मसरूफ कर दिया, वरना उसे तो मौका चाहिए था फट से उनके यहाँ जाने का। जरा फोन करके पता तो कर कि स्कूल से निकली है या नहीं। वैसे अम्मा, अम्मा ये तुम्हें क्या जरूरत थी फराह को नौकरी पे लगाने की? और तुम्हारे ख्याल में तुम्हें क्या लगता है कि वो स्कूल से आके तुम्हारे साथ बुतीक बुतीक जाएगी, तुम्हारा हाथ बटाएगी? भूल है अम्मा तुम्हारी। अरे उसे काम ही इतना दे के जाऊंगी, उसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तू बता तेरी नौकरी का क्या बना? अम्मा मैं सोच रहा हूं मैं बाहर चला जाऊं। क्या क्या कह रहा है? बाहर कहां? मुल्क से बाहर, घर से बाहर नहीं कह रहा। और मेरा और फराह का क्या होगा? दोनों का क्या होगा, तुम दोनों घर पे रहना, जब मैं सेटल हो जाऊंगा ला लूंगा तुम लोग को भी। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, बड़ा आया बाहर जाने वाला, यहीं पे रह के कोई काम वाम सीखो और नौकरी ढूंढो। बाहर जाएगा ये, फोन कर फराह को, निकली है या नहीं निकली। अम्मा मेरा फोन कहाँ है? अरे कमरे में पड़ा होगा ना तुम्हारे, सत्यानाश जाए, बस यही काम करता है तू। चल रखता कहीं है चीजें और तलाश कहीं करता है। लुबना संभालो खुद को। अगर वाकई अगर मेरा बच्चा चला गया। लुबना संभालो खुद को, ये हॉस्पिटल है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बचा ली, हमारे लिए यही काफी है यार। नहीं बेचारी कितना रोई होगी, कितना तड़पी होगी। भूल जाए अब आप उसे, किसी से कुछ मत कहिएगा ठीक है? सबको यही बताइएगा कि जो होना था वो नसीब में था। नहीं नहीं तुम आओ ना बैठो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी, मेरा दिल बहुत घबरा। नहीं बानो खाला मैं रुक नहीं सकती, खुदा से बहुत दुआएं मांगी है ना आपने मेरे लिए। खुदा माओ की दुआओं पर रद्द नहीं करता। मैं ठीक हूँ और भी ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आप काफी बेहतर हैं भाभी। हाँ मेरी असद से बात हुई थी, वो बता रहा था कोई खतरे की बात नहीं है, सब ठीक है। बहुत तकलीफ से गुजरी है बेचारी। बहुत बहादुर है मेरी बहन। सही कह रहे हैं आप, बहुत बहादुर है वो, अगर मैं उनकी जगह होती तो मर जाती। खुदा ना करे। कैसी बातें कर रही हो कोमल, आइंदे तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं मैं। जी फूफो से बात हुई आपकी? हाँ बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी, कह रही थी कि निकाह करके रुख्सती करवा लेना चाहिए था तुम्हें, अभी उन्हें भी थोड़ा टाइम मिल जाता तुम्हारे साथ रहने का। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है, बहुत मुश्किल कंडीशन में आपकी सर्जरी करनी पड़ी है। सर्जरी? जी आप अपने बेबी को लूज कर चुकी हैं। क्या? नहीं असद, असद वो झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मेरा बच्चा मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो कहीं नहीं गया। असद तुम ना संभालो खुद को। असद वाकई असद मेरा बच्चा चला गया। तुम ना संभालो खुद को, ये हॉस्पिटल है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बचा ली, हमारे लिए यही काफी है यार। नहीं तुम ना, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, संभालो खुद को। नहीं जा सकता मेरे बच्चे को। लुबना क्या कर रही हो तुम? नहीं मेरा बच्चा मेरे पास है। चुप रह चुप रह चुप। कहाँ गया वो? नहीं असल में मेरा बच्चा चाहिए। असल नहीं लुबना चुप हो जाओ यार। क्या तो वो झूठ बोल रही है असल? क्या तो वो झूठ बोल रही है असल? नहीं मेरा बच्चा ये नहीं हो सकता। कैसी हैं आप बानो खाला? आपको पता है दो दिन से मैंने आपको नहीं देखा, इतना याद कर रही थी मैं, खास तौर पे आपके लिए आई हूँ। मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन लुबना का सोच सोच के मेरा दिल मुट्ठी में आ जा रहा है।
बेचारी कितना रोई होगी, कितना तड़पी होगी। भूल जाएं अब आप उसे, किसी से कुछ मत कहिएगा ठीक है? सबको यही बताइएगा कि जो होना था वो नसीब में था। नहीं नहीं, तुम आओ ना बैठो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी, मेरा दिल बहुत घबरा। नहीं बानो खाला, मैं रुक नहीं सकती। अम्मा है ना, जॉब में फंसा दिया मुझे, उनको शक हो गया था कि मैं यहाँ पर आती हूँ। अच्छा जब आपा बुटीक पे होती तब तो आ जाए करो शाम में। ठीक है, वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी। सही है, लुबना कब आएगी? पता नहीं, ये तो असद का फोन आएगा तो पता चलेगा कि कब छुट्टी हो रही है उसकी। अल्लाह बेहतर करे, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मेरी बच्ची की खुशी को पता नहीं किसकी नजर लग गई। तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर बेटा मैं खुद अपने आप से नजर चुरा लिया करता था कि कहीं मेरी नजर ना लग जाए। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली, बहुत बहादुर और इंशाल्लाह हमेशा मुस्कुराती रहोगी बेटा। जहां इतना प्यार करने वाला शौहर, इतना ख्याल करने वाली सास और आगे पीछे होने वाली नंद हो तो मेरे ख्याल में मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। चलिए अंकल, आप भी हमारे साथ घर चलिए, लुबना को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया, रात देर तक बैठ के बातें करते हैं। चलिए आप भी चलिए हमसे। नहीं बेटा, फाखरा घर पे अकेले, मुझे जाना होगा। भाई बात करना चाह रहा है, बात कर लो। कैसे हो? सब ठीक है। सचिन मैं दादी बनने वाली हूँ। बच्चे को बहाना बनाकर शोहर को काबू कर लिया है उसने, बच्चे को पैदा ही नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस दिन वो बच्चा पैदा हो जाएगा उस दिन वो औरत तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। ये तावीज उसको पिला देना। अम्मी ठीक है ना? हाँ, क्या क्या कर लिया तुमने? वो मैंने भाभी की रूम की बेडशीट चेंज कर दी है, पूरे कमरे की सफाई कर दी और डस्टिंग भी कर दी। खिड़कियाँ भी खोल दो, ताज़ा हवा अंदर आए। सारी खिड़कियाँ खोल दो। ठीक, खोल दो। मैंने अपना बच्चा खो दिया, मम्मी खो दिया मैंने अपना बच्चा, वो पता नहीं क्यों नहीं आया हमारे साथ, खो दिया मैंने उसे, वो चला गया हमें छोड़ के, चला गया हमारे छोड़ के, मैंने उसे खो दिया मम्मी, बोले है ना मैंने मारा है। मैंने मारा है उसे, जो कुछ हुआ सब मेरी वजह से। बानो खाला ये आप क्या कह रही हैं? ये वक्त इन बातों का थोड़ी है। लुबना वो बानो खाला इसको डांटती रहती थी ना, इसलिए उनको लग रहा है कि शायद
तुम जाओ कमरे में, जाओ असद इसे लेके जाओ, जाओ। कोमल मैंने यखनी बनाई, भाभी को यखनी पिला। आप बैठे यहाँ पे, बैठे यहाँ। होश में तो आए? क्या कह रही थी आप अभी? गले लग के सब कुछ कह दिया था आपने। असद की शक्ल देखी थी आप? मैंने देखी थी उसके तासुरात। मेरी बात सुनने वालों खाला गौर से, अगर उसको जरा सा भी शक हो गया ना कि ये सब कुछ आप करवाती हैं, छोड़ के चला जाएगा आपको, कभी आप शक्ल भी नहीं देखेगा। सिर्फ अपने आप को खत्म नहीं करेगा, आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा, हम अल्लाह ना करे। आप चाहती हैं ना कि ऐसा ना हो, तो अपना मुंह बंद रखें, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें। कुछ नहीं कहूंगी मैं, अब नहीं कुछ कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा तो नहीं होता ना। मेरी जो हालत थी, लग रहा था कि मर जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह ताला ने तुम्हें नई जिंदगी दी। लेकिन मेरे बच्चे को नहीं थी। इसमें जरूर अल्लाह ताला की कोई ना कोई मुश्किल थी। क्या हुआ था? ऐसे अचानक से क्या हो गया? डॉक्टर्स बोल रहे थे कि पॉइजनिंग हो गई थी। पॉइजनिंग ऐसे कैसे हो गया सर? मुझे नहीं पता मैं कैसे, ना ही मैं जानना चाहता, और तुम भी भूल जाओ, ये पूरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। लेकिन असर, चुप रहो, चुप रहो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। अल्लाह ने चाहा तो ये मौका दोबारा फिर आ जाए। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम इस तरह रहोगी तो फिर मैं तुमसे कहता था, मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूं। इन दो दिनों में दिन रात जाग के मैंने सिर्फ तुम्हारी खैर की दुआएं मांगी। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मेरी जिंदगी लेके वो तुम्हें दे। तुम इस तरह टूटोगे तो मैं भी टूट जाऊंगा। तुम जल्दी से सेहत याब हो जाओ, सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। हम मरे जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, दरिया के किनारे बैठ के बातें करेंगे, रात दोबारा पहले जैसे हो जाएंगे। लोग ये देखें, अम्मी ने आज इतने मजेदार गरम गरम सूप बनाया। वैसे तो मुझे सूप और यखनी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो बहुत मजे का। ये ले पिए। मुझे माफ कर दो कोमल, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। चलो ना, भूल जाओ सब कुछ, अल्लाह सब ठीक कर दे। चलो सूप पियो। कोमल आप भी को सूप पिया। बैठो, लाओ तो मैं पिला। संभालो खुद को।
क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों? मानो खाला के घर सब खैरियत तो है? सब ठीक है। अब तो रुबना भी खैरियत से वापस आ गई है। चलो शुक्र है। अम्मा अभी घर पे? नहीं, आने वाली है। इस सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं काम करता हूँ फिर कि आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ। तुम बनाओगे? हाँ तो। अच्छा? ऐसे बनाऊँगा तो मेरा सर का दर्द ऐसे चला जाएगा। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ। आती है तुम्हें चाय बनानी? सब आता है मुझे यार, क्या हो गया तुम? पागल समझाया क्या? चीनी कितनी लेती हो? रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, बचपन से ख्यालों के आंगन में महकता रिश्ता, रेत की तरह उंगलियों से चीनी कितनी डालो? सरकता रिश्ता। मैं आ रही हूँ। आ जाओ आराम से। आज के बाद जब असद घर पे नहीं होगा तो तुम यहाँ मेरे पास रहो, समझ आई? मुझे पता ही नहीं चलता, घर के कामों में बिजी रहती हूँ। कुछ खाया है पिया है क्या है? अपना ख्याल रखा करो बेटा, मुझे तुम वैसी ही चाहिए जैसी पहली दफा देखा था ना मैंने तुम्हें। वैसे मैं पहले जैसी ही हूँ मम्मी। कहाँ पहले जैसी हो बेटा, देखो जरा अपना चेहरा देखो, उतरा हुआ, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए। खुदा से बहुत दुआएं मांगी है ना आपने मेरे लिए। खुदा माओ की दुआओं को रद्द नहीं करता। मैं ठीक हूँ और भी ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। तुम बेटी हो मेरी, बेटी हूँ मैं। दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं करूंगी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियों के लिए। कोमल और शहजाद की शादी की कितनी मुखालफत की थी, कितना तम किया था मैंने तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी वो इज्जत और मेरा वो मुकाम नहीं रहा। नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए मेरे दिल में जो इज्जत पहले थी आज तक वही कायम। आपकी शक्ल में ही तो मुझे माँ का प्यार मिला, माँ की ममता मिली। मैं तो जानती भी नहीं थी कि माँ कैसी होती, और मुझे जो अल्लाह ताला ने ये दूसरी जिंदगी दी आपकी दुआओं का ही तो नतीजा है, सबूत है इस बात का कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बस तुमने अपनी अम्मी का ये हुक्म माना, हमेशा खुश रहो। तुम बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ। भाई की फोन आ रही है, सुन करो बात भाई से। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो लुबना? मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक होना है तुम्हें। जी मैं जानती हूँ मुझे बिल्कुल ठीक होना है, क्योंकि फिर आपकी शादी करनी है धूमधाम से, अल्लाह गुल्ला करना है ना। इंशाल्लाह जरूर। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो, कब आए? कल ही आया। अच्छा, दस दिन के लिए आए होंगे है ना? नहीं, मैं अब हमेशा हमेशा के लिए आ गया। इतनी मोहब्बत करते हो उससे, तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत देख के तो मैं भी यही चाहूंगी कि कोमल तुम्हारी हो जाओ और तुम हंसी खुशी उसके साथ जिंदगी गुजारो। बोलते क्यों नहीं हो? बताओ ना, बताओ कैसे आगे रहेंगे।
औरतें क्यों नहीं हो कुछ? आपके लिए लाए थे ना ये सब कुछ, आपके मामू लाए थे आपके लिए खिलौने। ये शख्स कौन है जो तुम्हें मैसेज कर रहा है? असद मुझे क्या पता कौन है, ये मैं नहीं जानती। इसको फोन कर दो, नंबर स्विच ऑफ कर दिया। क्या चाहता है? आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? अगर तुमसे सवाल नहीं करूं तो किससे करूं? अगर आप ये समझ रहे हैं कि तुम आज फराह के साथ मॉल गई थी, उसे वहां मॉल में अकेला छोड़कर तुम कहां गई थी? जवाब दो, अलग क्यों हुई थी तुम उनसे?